हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं फजी एगलेस ब्राउनी। ये जो ब्राउनी है ये क्रिंकल टॉप ब्राउनी है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसे बनाने के लिए हम कोई कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल बेसिक सामान यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको एक ब्राउनी का पीस कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट फजी टेक्सचर। बहुत ही डिटेल्ड रेसिपी है, हर चीज़ मैंने मेंशन की है। वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले जो केक टिन होता है या बेकिंग टिन होता है उसे हम प्रिपेयर करेंगे। ऑयल या फिर बटर से पैन को ग्रीस करना है। अच्छे से ग्रीस कर लें। ब्राउनी बनाने के लिए बेकिंग पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको हमें थोड़ा लंबा रखना है ताकि ये जो इसके ओवरहैंग्स है ये रह सके। कोई भी बेकिंग करने के लिए मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेजरिंग कप्स है, आप मेजरिंग कप्स यूज़ कर सकते हैं, स्पून यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे है वेइंग स्केल। वैसे तो एक्यूरेसी आती है वेइंग स्केल से। मैं यहाँ पे फ्लावर मेजर कर रही हूँ, करीबन 90 ग्राम्स फ्लावर चाहिए हमें, और 10 ग्राम हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। जो कप वाले मेजरमेंट्स है वो भी मैं कैप्शन में डाल रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डाल रहे हैं वो है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। वैसे तो ब्राउनी में बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डलता है, लेकिन क्योंकि ये एगलेस ब्राउनी है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से कलर भी अच्छा आएगा और साथ ही साथ जो टेक्सचर है काफ़ी अमेजिंग होगा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हमें यूज़ करना है थिक योगर्ट। अगर आपके पास योगर्ट ना हो तो आप कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिलाना है। वैसे मैंने इसमें वेनिला एसेंस नहीं डाला है, लेकिन आप थोड़ा सा वेनिला एसेंस इस स्टेज पे डाल सकते हैं। कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। मेक श्योर कि आप 2 से 3 मिनट तक कर रहे हैं इसे मिक्स। इसे हम रख लेंगे साइड पे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है ये ब्राउनी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और वो है चॉकलेट। मैं यूज़ कर रही हूँ प्योर कुवर्चर चॉकलेट। आप इसमें अमूल डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं या फिर बॉनविल भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। करीबन 120 ग्राम चॉकलेट मैंने यूज़ की है। ये जो चॉकलेट है ये 55% कोको वाली चॉकलेट है। एक बोल में चॉकलेट डाल दें, उसी बोल में हम डालेंगे बटर। मैं यूज़ कर रही हूँ सॉल्टेड बटर। हमें ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को मेल्ट करना है। एक सॉस पैन में पानी चढ़ा दें और उसके ऊपर बोल में चॉकलेट और बटर का जो बोल है उसे रख दें। इसे आप कंटिन्यूसली मिक्स करते रहें ताकि दोनों ही इंग्रेडिएंट्स मेल्ट हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही दोनों इंग्रेडिएंट्स मेल्ट हो गए आप इसे निकाल लें। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ये देखिए। अब जो दही और चीनी वाला मिक्सचर है उसे हम मिक्स करेंगे इस चॉकलेट मिक्सचर के साथ में। इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि ये जो मिक्सचर है परफेक्टली कंबाइन हो जाए। बस 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि आप जब ये मिक्सचर मिक्स करना चालू करें उसके पहले ओवन को प्री हीट करना स्टार्ट कर दें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पार्ट्स में डालिए, एक साथ नहीं डालना है। मैं इसे 2 पार्ट्स में डाल रही हूँ और ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी है, अच्छे से कंबाइन करना है। अगर आप बैटर को ओवर मिक्स करेंगे तो जो आपकी ब्राउनीज है वो बहुत ज़्यादा डेंस बनेगी। यहाँ पे हमारा गोल है बस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को परफेक्टली इनकॉर्पोरेट करना। हमें ग्लूटेन डेवलपमेंट नहीं करना है, और मिक्सिंग से ग्लूटेन डेवलपमेंट होता है। इंग्रेडिएंट्स को छान के ही डालिए ताकि कोई लम्प्स भी ना रहे। ये सेकेंड पार्ट भी मैंने डाल दिया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स का, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो ब्राउनी का बैटर होता है वो केक के बैटर से काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, इसलिए ब्राउनीज फजी होती है। ये देखिए, दिस लुक्स परफेक्ट। मैं आपको एक बार इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी।
सो बैटर हो गया है तैयार, हम इसे ट्रांसफर करेंगे हमारे बेकिंग टिन में। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग टिन पे सिर्फ दो ओवरहैंग्स तैयार किए हैं। एक्चुअली बेटर होगा अगर आप दूसरे दो साइड्स पे भी ये जो एक्स्ट्रा वाला बेकिंग पेपर है ओवरहैंग्स वो रखें, इससे जो आपका ब्राउनी है वो ज़्यादा अच्छे से निकल जाएगा। बैटर को इवनली स्प्रेड करना है पूरे के पूरे बेकिंग टिन में। आप एक स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, मेक श्योर के जो एजेस है उस पर भी आप डाल रहे हैं। अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस पे। और ये बेक हो गया है, मैंने करीबन इसे 22 मिनट्स तक बेक किया है। ब्राउनी को अनमोल्ड करने के पहले हमें इसे हल्का सा कूल करना है, एटलीस्ट आप इसे 30 मिनट्स तक कूल करिए और उसके बाद जो एजेस है उस पर एक नाइफ रन करिए इस तरीके से। अगर मेरे पास चार ओवरहैंग्स होते तो इसे ज़्यादा आसान होता निकालना। मैंने यहाँ पे ब्राउनी को अनमोल्ड कर लिया है। जब तक ब्राउनी परफेक्टली ठंडी ना हो जाए तब तक आप इसको कट ना करें। मैं कट करने के लिए मेजरिंग टेप यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे एकदम एक्यूरेट पीसेस मिले। मैं ब्राउनी को कट करूँगी 9 पीसेस में। तो मैंने जो ये टिन यूज़ किया है ये करीबन 7 इंच का टिन है। काफ़ी थिन ब्राउनीज़ मैंने बनाई हैं, लेकिन अगर आप थिकर ब्राउनीज़ चाहते हैं तो आप 6 इंच का टिन भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप कट कर रहे हैं ब्राउनीज़ को आपको सीरेटेड एक्शन बिल्कुल नहीं करना है, इसे एक स्ट्रोक में हमें कट करना है पुश करके। ये केक से बिल्कुल ऑपोजिट है कटिंग टेक्निक। सो ब्राउनीज हो गई है कट एंड आई हैव टू शो यू कि ये कितनी ज़्यादा परफेक्ट दिख रही है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक परफेक्ट फ्लेकी सा टॉप है, इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, जब भी मुझे ब्राउनीज को सर्व करना होता है मैं हल्का सा इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर देती हूँ और ये बिल्कुल सॉफ्ट और भी ज़्यादा फजी हो जाता है। आप ब्राउनीज को एज इट इज सर्व कर सकते हैं या फिर आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई और आप इसे जल्द ही ट्राई करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। जब भी ब्राउनी बनाएंगे मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। आपके रोज के खाने को यमी और इजी बनाना यही मेरा मिशन है। अगर मेरी सारी रेसिपीज पसंद आ रही है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है डू कमेंट ऑन इट, लाइक इट एंड शेयर।